खबर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत के राजदूत के घर पर रॉकेट आकर गिर गया। ये रॉकेट राजदूत के घर बने टेनिस कोर्ट में आकर गिरा। ये घटना सुबह 11:15 बजे की है। इसी घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन भारतीय राजदूत के घर में टेनिस कोर्ट में आकर एक रॉकेट गिर गया अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। हालांकि इसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई नुकसान होने की खबर नहीं है, लेकिन काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय राजदूत के घर में टेनिस कोर्ट जहां है वहां पर आकर ये रॉकेट गिरा। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही जो ये ग्रीन जोन है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में, यानी जहां पर सभी दूतावास हैं, वहां पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, एक बड़ा विस्फोट किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। लगभग 100 के करीब लोग मारे गए थे इसमें और काफ़ी बड़ी संख्या में घायल हुए थे। उसके बाद आज ये घटना हुई है जिसमें भारतीय राजदूत के घर में आकर एक रॉकेट गिरा, टेनिस कोर्ट में आकर गिरा ये रॉकेट। तो अपने आप में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये घटना हुई जिसमें एक रॉकेट आकर राजदूत के घर में ही गिर गया। हालांकि इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय विद्रोही। विजय, क्या जानकारी मिल रही है, कहां से आकर ये रॉकेट गिरा है और क्या कुछ और इसके बारे में जानकारी हासिल हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि काबुल में जो सबसे सुरक्षित इलाका कहलाया जाता है, जहाँ पे सुरक्षा दस्तों की तैनाती सबसे ज्यादा रहती है, जहाँ पर तमाम दुनिया के सभी देशों के जो दूतावास हैं, हाई कमिश्नर हैं, वहाँ पर ये इस तरह का रॉकेट भारत के एम्बेसडर के घर के टेनिस कोर्ट में गिरना एक बड़ी बात है। और ये आप इस मद्देनज़र भी इस खबर को देखिए कि कुछ दिन पहले ही काबुल में एक बड़ा हमला हुआ था जो भारतीय दूतावास के आसपास के इलाकों में हुआ था। तब भारत के दूतावास के को जानो माल का नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर करीब 150 लोग मारे गए थे। तो तब एक ट्रक के द्वारा बम का ये जो हादसा होना और उसके कुछ दिनों बाद एम्बेसडर के यहाँ गिरना, ये सुरक्षा के लिहाज से मुझे लगता है कि काबुल की बड़ी चुनौती है। जी, और ये ग्रीन जोन कहलाता है इलाका जहाँ पर सभी दूतावास हैं और जहाँ पर विस्फोट हुआ था अभी, जिसमें 150 लोग मारे गए थे काबुल में, वो 1.5 किलोमीटर ही दूर है भारतीय दूतावास से। और राजदूत के घर में आकर रॉकेट गिरना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है सुरक्षा को लेकर इस इलाके की। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।